લોકડાઉનમાં કાળા બજારીયાથી શ્રમિકો ત્રાહિમામ છે, ત્યારે બીજી તરફ કાળા બજારીનો ધંધો રાજકીય પાસાની છબીઓને પણ નબળી ઠેરવવામાં ચાલ ચાલી રહ્યો છે. સુરતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના પૂર્વ મહિલા પ્રમુખ રહી ચૂકેલા સુધાબેન પાંડે પર કાળા બજારી કરી હોવાનો ડાઘ લાગ્યો હતો, જે આક્ષેપનો ખુલાસો આજરોજ સુધાબેન પાંડેએ દિવ્યાંગ ન્યૂઝ સમક્ષ કર્યો હતો. પૂનમ રામુ તિવારી, કર્મયોગી દો મેં રહેતે. हमें दिक्कत ये हुई कि 15 दिन पहले से हमने फॉर्म भरा था टिकट के लिए, तो टिकट के लिए हमें बोला कि आज हो जाएगा कल हो जाएगा, ऐसे कर करके 15 दिन टाल दिया. तो 15 दिन बाद हमको बुला के पैसे रिटर्न कर दिए, बोले कि सुधा टीचर के पास यहाँ के अध्यायक हैं, ऑपरेटर हैं, सीताराम स्कूल के अध्यायक हैं. फर्स्ट टाइम तो हमने गिरजा शंकर के पास ही कॉल किया, तो उन्होंने दूसरों का नंबर दिया, इनसे बात करिए, उनसे बात करिए, इनसे हो जाएगा, उनसे हो जाएगा कर करके 3-4 बार हमें धक्का खिलाया. फिर उसके बाद हम सीताराम स्कूल में गए, वहाँ पे जाने के बाद हमने कॉल किया कि टीचर हमें मतलब टिकट चाहिए, तो उन्होंने टिकट का पैसा हमसे पहले लिया और फॉर्म लिया. 15 दिन के बाद हमें बुला के बोल रही नहीं हो पा रहा है. फिर उसके बाद हमारे ही जो लोग थे उनको टिकट 1500 में बेच दिया, और हम ऐसे मतलब हमें बोला कि सुबह 7 बजे मतलब आके ले लेना टिकट. उनके कहने पे हमने रूम भी खाली कर दिया, और उसके बाद क्या कहते रूम खाली करने के बाद हमको बोला सुबह 7 बजे आ जाना. हम 7 बजे गए हैं तो क्या कहते हैं कि बोल रहे हैं कि जब फॉर्म वालों को हो जाएगा तब देंगे, अभी टिकट नहीं है हमारे पास. उसके बाद हम बच्चे ले कर रोड पर तो रहेंगे नहीं. तो अभी क्या कहा, पैसे कितने दिए थे अपने टिकट का? मैंने पैसे 800 रुपये के हिसाब से दिए थे. और आपको कितने कहा कि 1500 रुपये में बेच? जो हमारे मतलब रिलेशन वाले थे उनको, उन लोगों को दिया उन्होंने. आपको कैसे पता चला? हमने बात किया, उनका रिकॉर्डिंग हमारे पास. अब आप कहाँ रहोगे? हम अभी रोड पे ही रहेंगे, और कहाँ रहेंगे, क्योंकि हमने अपने रिलेशन वाले के घर में, वहाँ पे छेड़ा भाई रहते हैं हमारी जवान लड़की, उनको लेके तो रहेंगे नहीं उनके घर में, वहाँ पे सब जेंट्स रहते हैं, तो उनके घर में हमने अपना सामान एडजस्ट कर दिया. आपकी क्या मांगे सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि हम लोग जहाँ के लोग हैं वहाँ पहुँचा दिया जाए हमें. और सुधा मैडम, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे जो उन्होंने तुमको पैसा रिटर्न कर दिया? उन्होंने बहुत गलत किया, ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से सजा मिलनी ही चाहिए. ऐसे है तो अध्यायक बनती है कि हम बहुत बड़े अध्यायक हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है. किसी भी गरीब इंसान का फायदा नहीं उठाना चाहिए कभी भी. गिरजाशंकर मिश्रा जी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने तो बोला इनसे बात करिए, उनसे बात करिए, यही करके टाल दिए. जिससे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं उनको पहले कर रहे हैं, और जिससे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं उनको हटा दे रहे हैं. और पर्सनली ऑफिस में जिससे पैसे मिल रहे हैं उसे पर्सनली ऑफिस में बुला के मिल लेते हैं, और उसके जिससे नहीं मिल पा रहे हैं उन्हें बाहर रखिए, बाहर रुकिए, बाहर निकल के आएंगे तो बोलेंगे हम तुम्हारा ठेका लिए हैं. ऐसा नहीं होता, जो काम सरकार ने जिसको दिया है उसे करना ही चाहिए. आपको क्यों ऐसा लगता है उन्होंने ज़्यादा पैसा लेके? हमें लगता नहीं है, लोग बोल रहे हैं, और कितने लोग चले गए हमें लग नहीं रहा है. हम पक्का प्रूफ दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग है हमारे पास. उन्होंने जिसको टिकट बेचा वो बोल रहे हैं खुद. महिला द्वारा आप पे एक आक्षेप लगाने में आया था, आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, मेरा नाम सुधा पांडे है, और मैं श्री सीताराम हायर सेकेंडरी स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ. जिस महिला ने आक्षेप लगाया है उस महिला को पहली बात तो मैं जानती ही नहीं हूँ. वो महिला ने कैसे आक्षेप लगाया इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, और जो भी आक्षेप लगाया है सरासर उसने गलत बोला है. इस तरह की कोई घटना या इस तरह की कोई बात यहाँ पर बनी ही नहीं है. पहली चीज, मैं माध्यमिक शिक्षण बोर्ड की कॉपी चेक करने के लिए जाती थी यहाँ से. लगभग 5 तारीख तक मैं उसी काम में रही. 5 तारीख के बाद में मैं यहाँ आई तो लोगों ने बोला कि मैडम आप हमारी सोसाइटी की प्रमुख भी हैं, आपको हमारा काम करना पड़ेगा, आप नहीं करोगे तो हम कहाँ जाएंगे. और सोशल वर्कर होने के कारण मुझे भी लगा कि नहीं, गरीब लोग हैं, परेशान हैं, तो मुझे इनकी मदद करनी चाहिए. मैंने कुछ लोगों के फार्म लिए तो सुनील सिंह करके मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे फार्म भी दिया था, पैसा भी दिया था. तो मैंने उनको बोला कि देखिए ये 800 रुपये आप दे रहे हो, लेकिन जो भी प्रिंट रेट होगी वो प्रिंट रेट काट के बाकी का पैसा आप ले करके जाना यहाँ से. मुझे अभी पता नहीं है कि प्रिंट रेट क्या आएगी, क्योंकि मैं अभी इस टिकट का काम नहीं कर रही थी, मुझे मालूम ही नहीं था. मैंने ले लिया, लेकिन 2 दिन बाद आए सुनील सिंह है मेरे पास आए, और उन्होंने मुझे बोला कि मैडम ये सारे लोग जो है ना ट्रक में जाने वाले हैं, आपकी व्यवस्था नहीं हो रही तो आप पैसा वापस दे दीजिए. तो मैंने उनको पैसा वापस दे दिया और वो पैसा लेकर के यहाँ से चले गए.
जब ये घटना हुई और वीडियो मेरे पास आया तो मैंने सुनील सिंह जी को बुलाया कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये तो गलत है, पैसा मैंने दिया था आपको और मैंने पैसा आपसे लिया है, मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं है, और ये जो औरत है ये झूठ बोल रही है। और मैं चाहती हूँ कि औरत जहाँ कहीं पर भी हो, ये आए किसी भी मीडिया के सामने आए और ये आकर के मेरे सामने बोले कि मैंने किसी को टिकट 1500 रुपये में दिया है। मैं उसको चैलेंज करती हूँ कि अगर मैंने 1500 रुपये में टिकट किसी को दिया होगा मेरे हाथ से, तो मैं अपनी जीवन की पूरी राजनीति छोड़ दूंगी। आपको क्या लगता है उसमें कोई पॉलिटिशियन टर्न हो सकता है? बहुत सारे लोग हैं, इस समय तो माहौल ही ऐसा चल रहा है, किसी ने उसको भड़काया हो, बोला हो या जो भी हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो औरत ने मेरे बारे में इतना गलत बोला है, मेरी 20 साल की जो राजनीतिक छवि है, मेरी 20 साल की जो लोगों की सेवा करने की छवि है, उसको उसने कलंकित करने का प्रयत्न किया है, और मैं इसके लिए उसको कभी बख्शूंगी नहीं, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो जब भी मुझे कभी भी मिलेगी तो मैं उससे ये सवाल ज़रूर पूछूंगी और आप लोगों को फिर बुलाऊंगी कि अब इससे पूछो कि सच्चाई क्या है। हाँ, और मैं मतलब दूसरे दिन सुबह ही जब मैंने मुझे मालूम पड़ा ना, तो मैं उसकी क्रॉस चेकिंग करने के लिए मैंने उसको ढूंढना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि वो औरत यहाँ है ही नहीं है। और सुनील सिंह जी को भी मैंने बुलाया, उन्होंने भी ढूंढा, तो बोले मैडम वो तो मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ गई, अगर उसके पास टिकट नहीं थी तो वो रातों रात वो औरत गई कहाँ, कैसे गायब हो गई? इसका मतलब है कि किसी से उसने टिकट लिया था और उसके माध्यम से उसने मुझे बदनाम करने की जो है कोशिश की है, भरपूर कोशिश की है। कोरोना वच्चे काळा बजारनो राफડો ફાટી નીકળ્યો હતો। દરેક વસ્તુ ખરીદી હોય તો બમણા કે ત્રિગણા ભાવ વસૂલ કરવામાં આવતા હતા, જેમાં રાજકીય પાસું પણ બાકાત રહ્યું નથી। પાંડેસરા ઉદના લિંબાયત તેમજ સચિનમાં અનેક પરપ્રાંતિયો વસવાટ કરી ગુજારો કરે છે। અત્યારે લોકડાઉનમાં રોજીરોટી માટે ફાફા પડી જતા લોકો પોતાના વતન જવાની જીડે અડીખમ રહ્યા હતા, જેથી આ અડીખમ જીડે એક બજાર ઊભું કર્યું અને એ બજાર એટલે કાળા બજાર। ત્યારે રાજકીય પક્ષમાં પણ કેટલાક રાજકારણીઓએ કાળા બજાર કરી એકબીજા સામે આક્ષેપના તીડ માર્યા હતા। ઉધનામાં ટિકિટ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પૂર્વ મહિલા પ્રમુખ રહી ચૂકેલા સુધાબેન પાંડેને પણ કોઈ કે નિશાન બનાવી કાળા બજારી થઈ રહ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું। પૂનમ તિવારી નામની પરપ્રાંતીય મહિલા દ્વારા 2 દિવસ અગાઉ સુધા પાંડે સામે ટિકિટની કાળા બજારી થતી હોવાનો આક્ષેપ થયો હતો, જે સમાચાર દિવ્યાંગ ન્યૂઝના માધ્યમથી પ્રસારિત થયા હતા, જેનો ખુલાસો સુધા પાંડે દ્વારા આજરોજ કરવામાં આવ્યો હતો।